सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो टॉपिक है दैट इज हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज आवर लाइफ, हाउ वी कैन एम्पावर आवर लाइफ यूजिंग द सक्सेस पैड या नोट पैड। सो अगर मेरी वॉइस ऑडिबल है, इफ एवरीथिंग इज फाइन, सो प्लीज कन्फर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट द जर्नी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछना शुरू करिए, अदरवाइज आप नोट पैड अपना निकाल लीजिए। अगर नोट पैड नहीं है तो अभी किसी भी पेपर पे आप लिखिए, जो भी आपके पास नोटबुक है, एनीथिंग लाइक, और फिर बाद में आप उसको नोट पैड पे अपडेट कीजिए बिना नोट पैड के। अब नोट पैड को हम लोग सक्सेस पैड बोलेंगे, और राइटिंग पैड जो कि हम लोग की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि हम लोग जब वर्ड्स चूज करते हैं तब हम लोग वाइब्रेशन चूज करते हैं, फ्रिक्वेंसी चूज करते हैं। सो इफ इट मेक सेंस राइट MS, मेक सेंस, फाइन। सो अगर आपके पास नोट पैड है तो राइट यस, नहीं है तो लिखे नो। कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नोटपैड को यूज करना शुरू करते हैं। अब आप एक फ्रेश पेज ओपन कर लीजिए। देखिए नोटपैड हम लोग यूज क्यों करते हैं, इसका फायदा क्या होता है कि जैसे हम लोग की लाइफ फ्लो करती है, जैसे हम लोग की लाइफ में पुराने डेज चले जाते हैं, नए डेज आते हैं, पुराना ईयर चला जाता है, नए ईयर आते हैं, पुराना ईयर मंथ चला जाता है, नए मंथ आते हैं, ठीक उसी तरीके से हम लोग अपने नोटपैड में पेजेस को निकाल सकते हैं। ये इसका बेस्ट एडवांटेज होता है, जो कि हम लोग और किसी चीज में नहीं कर सकते, डायरी में नहीं कर सकते और कहीं नहीं कर सकते। तो इसको हमेशा अपडेट करते रहना है। और अगर आप में से किसी को लग रहा है कि मैं नोटपैड पे इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों देता हूँ, तो उसका एक छोटा सा एक रीजन शेयर करता हूँ। थैंक यू। नोटपैड निकाल लीजिए और नोटपैड को हमेशा हमें अपडेट करते रहना है, जैसे जो पेज अब काम के नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप को बहुत स्ट्रेन करना है, जिससे हम लोग एक कैजेन टेक्निक की बात करते हैं। कैजेन का मतलब कि हम लोग को धीरे धीरे चलना शुरू करना है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग किसी भी हैबिट को बिल्ड करना चाहते हैं तो हमारे कई बार क्या होता है कि हम लोग शुरू में बहुत मोटिवेटेड रहते हैं और फिर हम लोग का मोटिवेशन नीचे चला जाता है। अगर आप किसी भी काम को ऐसे शुरू करेंगे कि ठीक है शुरू में बहुत आउट ऑफ मोटिवेशन करेंगे, तो वो लैग करना ही करना है। हमें उसका रिवर्स करना चाहिए, स्टार्ट हमें स्लो स्लो करना चाहिए, फिर फास्ट में हमें अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। जैसे कोई भी सीड है, जिस तरीके से वो ग्रो करता है, उस तरीके से हम लोग को किसी भी हैबिट को इनकलकेट करना है। फाइन। सो एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं, एक इंसिडेंट या एक कुछ भी, एक उनकी लाइफ का इंसिडेंट है, गौतम बुद्ध की लाइफ का। उन्होंने जब अपनी प्रीचिंग किया था, ये मैं इसको ऐसे आंसर कर रहा हूँ कि मैं नोटपैड पे इतना स्ट्रेस क्यों देता हूँ, तो उनकी जो एक्चुअल प्रीचिंग थी, फिर अब जो प्रेजेंट टाइम पे अवेलेबल है, वो उसकी 10 times थी। क्योंकि वो कई बातें थी, कुछ ऐसी बातें थी जिसको बार बार बोलते थे, बार बार बोलते थे, बार बार बोलते थे। तो जब उसको कंपाइल किया गया तो मान लीजिए कि वो 100 page की हुई, तो प्रेजेंट जो वर्जन है वो केवल 10 page का है, क्योंकि उसके जो एडिटर है उनको लगा कि चलो ये बात तो उन्होंने कही दिया, तो अब इस बात को बार बार क्यों कहना। लेकिन देखिए जब कोई जो भी कोई टीचर होते हैं, उनको पता होता है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको बार 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 बोलते रहते हैं ताकि वो मिस ना करे। जो कम इंपॉर्टेंट है वो मिस कर दो चलेगा, क्योंकि हम लोग का ब्रेन ऐसा है, हर चीज को क्लिंग नहीं कर सकता, कैरी नहीं कर सकता, परस्यू नहीं कर सकता। सो अगर आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, देन राइट रिलेट या अंडरस्टैंड, जो भी आपका आंसर है, फाइन। सो हम लोग अब नोटपैड पे शुरू करते हैं। नोटपैड ओपन कीजिए, आउटकम हेडिंग डालिए, अगर आपने पहले से किया हुआ है तो उसको हम लोग एक बार अपडेट करेंगे। आउटकम लिखिए, आउटकम को रेड पेन से डालना है। आउटकम लिखिए आप प्रेजेंट टाइम के, अगर आप अपना आउटकम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें चैलेंजेस होती है, तो आप चैट में पूछिए, मैं आपको आंसर करूंगा। आउटकम आप अपना आउटकम लिखिए, 1 या 2 या 3, आपको आपका जो नंबर 1 आउटकम है उसको लेके आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए हम लोग की जो जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट होगी, आउटकम से, कि हम लोग को जाना किधर है। हम लोग जैसा आउटकम सेट करेंगे, जैसा हम लोग गोल सेट करेंगे, वही हम लोग का डायरेक्शन होना है। तो आउटकम में अगर आपने नंबर 1 आउटकम आपका लिखा हुआ है तो आप डन लिखिए, अगर नहीं लिखा है तो फर्स्ट आउटकम लिखिए। फर्स्ट आउटकम का मतलब व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके लाइफ का जो भी पेन पॉइंट होता है, उसका जो सॉल्यूशन होता है, उसका जो अपोजिट होता है, वो हमारा आउटकम होता है। सपोज कीजिए कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, तो उसका आउटकम होगा कि जो भी उसकी जो डिजायर्ड इनकम है, जो उसकी डिजायर्ड नेटवर्थ है, वो उसका आउटकम होगा। सो अगर आउटकम हो गया है तो आप डन लिखिए। नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखना चाहिए तो आप चैट में आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट आउटकम 1 2 3, और द रूल इज देयर इज नो रूल, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एक ही आउटकम लिखना है। बस ये है कि ठीक है जितना कम रहे उतना इफेक्टिव होगा, 3 to 4 मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आप एक साथ अगर कई चीजों को डिमांड करते हैं, आप अपने ब्रेन को यूनिवर्स को कई सिग्नल देते हैं, तो आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो एक एक पर्टिकुलर रेंज में नहीं आता है, फिर वो स्कैटर्ड हो जाता है, जिसको मैनिफेस्ट करना मुश्किल होता है। अगर आउटकम हो गया तो अब आप नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, आप उस पर हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट टू डू लिस्ट, वहां पे आप 1, 2, 3 लिखिए। सो हम लोग को देखिए अपनी जो पूरी लाइफ है उसको हम लोग को अपने नोटपैड पे रखना है। क्यों रखना है? ताकि हम लोग उसको रीलुक कर सके, हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर सके, उसको हम लोग प्रायोरिटाइज कर सके, ताकि हम लोग की लाइफ में कोई हम लोग जैसे कंफ्यूजन ना हो, क्लटर ना हो, हम लोग हमारे ब्रेन को क्लियर सिग्नल जाए कि दिस इज व्हाट आई नीड, दिस इज व्हाट आई वांट। सो आउटकम, देन इंपॉर्टेंट टू डू लिस्ट, उसके बाद अपनी लाइफ पर जैसे भी, अगर आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन है तो डिस्ट्रैक्शन लिखिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं तो आप एक हेडिंग डालिए इश्यूज टू रिजॉल्व, और उसके अंदर इश्यूज लिखिए। आपको अपनी लाइफ, कई बार हमें लगता है ना कि हमारी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम लोग उसको लिखते हैं तो पता चलता है कि 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी। अगर हम लोग लिख लेते हैं तो फिर हम उस पर डोमिनेट करते हैं, अदरवाइज वो नेगेटिविटी, वो इश्यूज हमारे माइंड पे हमें डोमिनेट करते हैं। सो आप अब चैट में ये आंसर कीजिए कि आपका जो नोटपैड है आपको उसमें रेलेवेंट हेडिंग और क्या क्या लगती है। कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे आउटकम इज द मस्ट, इंपॉर्टेंट टू डू लिस्ट इज द मस्ट, अगर डिस्ट्रैक्शन है तो डिस्ट्रैक्शन लिख सकते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट टाइम पे कोई स्ट्रगल, कोई इश्यू है जिससे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो एक हेडिंग होगी, और क्या क्या हेडिंग आपकी लाइफ के हिसाब से आपको लगता है कि आपके उसमें हो सकती है। अगर आपका वो गलत होगा तो मैं आपको आंसर करूंगा। सो ये तो हो गया। देखिए हम लोग की लाइफ में ठीक है, जो मेजर फोकस होगा वो होगा आउटकम पे, इंपॉर्टेंट टू डू लिस्ट पे, जो डेली हम लोग को जो करना है अपना इंपॉर्टेंट टू डू लिस्ट पेज ओपन कर लेना है, और उसमें जो भी एक्शन है, जो भी टास्क है, उसमें हम लोग को वर्क करना शुरू कर देना है, अपने आप जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर जाएंगे। चलिए एक और टेक्निक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, अगर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक में इंटरेस्टेड है तो एम्प्टी लिखिए, मैं एक और टेक्निक शेयर कर देता हूँ। और एक स्टेटमेंट लिखिए, लव ऑल ट्रस्ट फ्यू फॉलो वन, लव ऑल ट्रस्ट फ्यू फॉलो वन। इसका मतलब ये है कि लव ऑल का मतलब हमें सबके बारे में अच्छा सोचना है, ट्रस्ट फ्यू का मतलब जो लाइफ की जो प्रैक्टिकलिटी होती है, हम लोग कुछ ही लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हैं, सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे हमें अपना जो एक्सपीरियंस, अपना इंटेलिजेंस, अपना इंट्यूशन, वो सब यूज करना होता है। एंड फॉलो वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉलो वन का मतलब क्या है कि लाइफ के जिस भी एरिया में आप इंप्रूव करना चाहते हो, जैसे हम लोग का जो डोमेन है दैट इज द डोमेन ऑफ माइंडसेट मास्टरी, माइंडसेट का डोमेन है, और ये बहुत वाइड डोमेन है। देखिए हमारी लाइफ में किसी भी सक्सेस में 80% माइंडसेट का रोल होता है, तो माइंडसेट को लेके आपके जो भी इश्यूज हैं, जो भी चीजें हैं, आप उन सब चीजों के लिए आपको कहीं और फोकस करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके सपोज करो आप अपने अगर बिजनेस पे आप फोकस कर रहे हो, बिजनेस ग्रोथ पे, बिजनेस एक्सपेंशन पे, तो आपको वहां देखना है कि वहां पे आपका फॉलोवर कौन है। अगर आप स्पिरिचुअल साइड पे जा रहे हो, ऐसे लाइफ के अलग अलग एरिया में आप देख सकते हो, क्योंकि एक ही टॉपिक के लिए अगर आप अलग अलग लोगों को फॉलो करोगे आप, तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, क्योंकि सबकी टर्मिनोलॉजी अलग होता है, सबका कॉन्सेप्ट अलग होता है, सबका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग होता है, सबकी नॉलेज अलग होती है, आप उन चीजों को आपस में तालमेल नहीं बैठा पाओगे, सो आप कंफ्यूजन में रहोगे। सो इसका आपको ध्यान देना है। सो हम लोग को अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है अपने नोटपैड पे, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि नोटपैड आपको देखिए जैसे जो जो भी हम लोग आपको टूल शेयर करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि ठीक है आपको बहुत ज्यादा उसमें एफर्ट्स ना करना पड़े, क्योंकि देखिए अगर आपका नोटपैड में एक बार इंपॉर्टेंट टू डू लिस्ट पेज बन गया तो वो हो सकता है 4-5 डेज तक, एक वीक आप उसमें निकाल दो, क्योंकि उन चीजों को करने में कई बार एक वीक लग जाता है, या दैट डिपेंड्स मतलब। लेकिन हर दिन आपको जो अपना दिन शुरू करना है, या अपना दिन आपको देखना है कि चलो आज करना क्या है, तो वो उसका आंसर आपको अपने नोटपैड में ढूंढना है। और आपके लाइफ के जितने भी एरियाज हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरी लाइफ के जितने भी एरियाज होते हैं वो सारे मेरे नोटपैड पे होते हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि मुझे मेरे ब्रेन पे मुझे अननेसेसरी चीजों के लिए प्रेशर नहीं डालना पड़ता है। जैसे उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये मुझे एग्जांपल ये शेयर करना था बुद्धा का, जो धम्मपद करके उनकी जो जैसे गीता है वैसे धम्मपद है, तो मैंने 10 times क्यों लिखा, इसलिए लिखा ताकि मैं कहीं भूल ना जाऊं। तो उसी तरीके से कि ठीक है जैसे क्योंकि बुद्धा को लेकर बहुत सी स्टोरीज है, बहुत से इंसिडेंट है, लेकिन मैसेज क्या कन्वे करना है वो मुझे याद रहना चाहिए, तो वो इसलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक उसी तरीके से लाइफ की जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि देखिए अगर आप लाइफ को पूरा ऑर्गेनाइज कर लोगे तो फिर हमारे जो ब्रेन के जो डीपर लेयर्स हैं, जैसे हमारा अनकॉन्सियस, हमारा कलेक्टेड अनकॉन्सियस, जो डीपर जो लेयर्स हैं वो सारे सिंक में वर्क करते हैं, वो एक दूसरे को एम्पावर करते हैं, अदरवाइज वो एक दूसरे से अगेंस्ट में, एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं, और हमारे अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट अनकॉन्सियस लेवल पे आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता।
और जितना ज्यादा आप लोग इन जो भी ये सिस्टम को यूज करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर क्वेश्चन निकल जाएंगे। जब क्वेश्चन कम आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यूज आप कम कर पा रहे हो। तो अगर आप यूज कम कर पा रहे हो उसका भी क्या तरीका है, आप इम्पोर्ट आप देखिए आपने नोटपैड की पावर को समझो, और इसका जो पेज है इम्पोर्टेंट टू डू लिस्ट, जो असली पावर है वो आउटकम में नहीं है, जो असली पावर है वो इम्पोर्टेंट टू डू लिस्ट में। जो भी चीज आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है आप बस उसको उस पेज पे लिख दीजिए। जैसे आपको लगता है कि इस सिस्टम को, इस कोर्स को कंप्लीट करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप ऐसे नहीं कर पाओगे, आप एक इम्पोर्टेंट टू डू लिस्ट में लिख दीजिए। और इम्पोर्टेंट टू डू लिस्ट जो बनाना, उसका एक और तरीका बताता हूँ। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ऊपर से नीचे 1 2 3 ऐसे करके लिखिए, और कुछ चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट तो होती है लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसको नीचे से ऊपर बुलेट की तरह करें, ताकि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी इस पे आ जाए। जैसे मेरे लाइफ के जितनी भी चीजों पर मुझे फोकस करना होता है वो सारा मैं अपने नोटपैड पे रखता लिख लेता हूँ, उसमें एक हेडिंग डाल के कि अच्छा ठीक है ये एरिया है, प्रोजेक्ट टू फोकस, कौन कौन से प्रोजेक्ट है जिस पर फोकस करना है, कौन कौन से प्रेजेंट, जैसे मान लीजिए अगर मुझे पर्सनल कोचिंग सेशन का वो होता है तो वो मैं सारे एक पेज पे सारे क्लाइंट्स को लिख लेता हूँ कि ठीक है, क्योंकि सबका प्रोग्रेस हमें ट्रैकिंग करना होता है कि सब लोग ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो ये होता है एक, फिर टू डू लिस्ट बैंक बना देता हूँ। टू डू लिस्ट बैंक मतलब जितने भी टू डू लिस्ट है सारे को एक में लिख देता हूँ, ताकि कोई भी चीज कोई भी काम भूले ना। फिर उसको प्रायोरिटाइज कैसे करना है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। क्योंकि देखिए हम लोग बहुत तरह के टू डू लिस्ट बनाते हैं, ABC करो, दिस दैट, लेकिन ये मोस्ट इफेक्टिव तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमेशा वर्क करता है। सो यहाँ तक आपको क्लियर है? जैसे कई बार हम लोग के लाइव सेशन होते हैं तो उसके लिए अगर प्रिपरेशन करना है तो मैं उसकी एक हेडिंग डाल देता हूँ कि लाइव सेशन के लिए क्या क्या, या कोई पर्टिकुलर इवेंट है तो उस इवेंट से रिलेटेड। सो आप किसी भी आपकी लाइफ को, मतलब अपने नोटपैड को अपनी लाइफ के हिसाब से कैसे भी आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट का मैंने आपको वो लिंक नहीं शेयर कर पाया था, वो मैं फिर से शेयर करता हूँ। इसको आपको बनाना है, ये आप यहाँ से आप अपना देख सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। इसको कॉपी करके इस फाइल के कॉपी आप बना लेना, फिर आपके लिए एडिटेबल हो जाएगा ये। जैसे ये जो है आपके लिए एडिटेबल नहीं होगा, जब आप इसका एक कॉपी बना लोगे फिर ये आपके लिए एडिटेबल हो जाएगा। कोई भी आपके क्वेश्चन है नोटपैड को लेके समझ में आ गया? क्योंकि देखिए अगर आप नोटपैड यूज करेंगे तो आपकी लाइफ, आप अपनी पूरी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, आप प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कम इंपॉर्टेंट है, आप अपनी लाइफ को देख पाएंगे। जैसे एक स्टेटमेंट है, एक मैसेज कहा जाता है कि जो फ्रेम में है वो अपने आप को नहीं देख पाता। तो हम लोग अपनी लाइफ को ना कई बार उतना देख नहीं पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन एक बार जब हम लोग नोटपैड पर लिख देते हैं तो हमारी लाइफ ना, हम अपनी लाइफ को ऐसे देख पाते हैं जैसे हम लोग किसी और की लाइफ को देख रहे हैं। तो हम लोग उसको समझ पाते हैं कि क्या इशूज है, कहाँ हमें फोकस करना है, कहाँ मेरी एनर्जी जा रही है, क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है, क्या इश्यूज हैं, क्या मुझे सीखना है, क्या मुझे करना है, अपने टाइम कहाँ एलोकेट करना है, तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाती है। देखिए ये इसका मैंने एक तो आपको लिंक शेयर कर दिया, लास्ट टाइम में लिंक नहीं शेयर कर पाया था। इसको आपको भरना है प्रॉपर, इसके आपको आंसर करना है, और इसको हम लोग पहले एक एक मॉड्यूल के लिए यूज करेंगे, फिर बाद में पूरे प्रोग्राम के लिए यूज करेंगे। जैसे जब आप पहले मॉड्यूल 1 पे आइए, अगर अगर आप अपने सेल्फ इमेज पे वर्क कर रहे हैं, अपने आइडेंटिटी पे वर्क कर रहे हैं, तो पहले बस आपको उस पे फोकस करना है। क्वेश्चन है, समटाइम्स वी रोट टू मेनी टास्क इन एक्साइटमेंट बट वी कांट कंप्लीट ऑल, सो वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, सो व्हाट शुड वी डू? देखिए उसको सेग्रीगेट कैसे करना है वही मैं आपको इतनी देर से बता रहा था, आपने शायद लेट से ज्वाइन किया है। देखिए कभी भी जो टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट से बना पहले बनाने से पहले अपना आउटकम लिखना है हमें। सबसे पहले डायरेक्ट टू डू लिस्ट पे नहीं जाना है, आउटकम लिखना है, 1 1 2 3 जो भी 2 3 आउटकम है, उस आउटकम के हिसाब से फिर इंपॉर्टेंट टू डू लिस्ट बनाइए, और इंपॉर्टेंट टू डू लिस्ट पे फोकस कीजिए। इंपॉर्टेंट टू डू लिस्ट में बहुत ज्यादा टास्क नहीं आएंगे, जो अदर अदर टास्क है वो अदर है, पहले आप हमें हमेशा इंपॉर्टेंट पे फोकस करना है। अगर आप नॉर्मल टू डू लिस्ट बनाने चले जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे, तो उस तरीके से टू डू लिस्ट नहीं बनाना है, आउटकम इंपॉर्टेंट टू डू लिस्ट। इसका मैंने लिंक शेयर कर दिया चैट में आपको, फेसबुक ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे हम दोबारा शेयर कर देंगे, ताकि आप वहां से इसको कॉपी करना है आपको। जैसे कॉपी कैसे करते हैं वही बताया था, हमें फाइल पे जाना है आपको, और इसकी मेक को कॉपी करोगे तो फिर आपका पर्सनल एडिटेबल कॉपी हो जाएगा, अभी जो है वो आप उसमें एडिट नहीं कर पाओगे। और आपको इन सबके आंसर लिखने हैं कि आप क्या आउटकम सेट कर रहे हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अटेंशन लगेगा, एनर्जी लगेगी, लेकिन तभी रिजल्ट भी आएगा। अभी तक आप लोगों ने कितना प्रैक्टिस किया, कितना क्या क्या टेक्निक आप लोग यूज कर रहे हो, कुछ अगर आप शेयर करो, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि देखिए मैं आपको जो भी चीजें आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, ये दीज आर द मोस्ट इजी थिंग, इससे इजी कुछ भी नहीं है। तो एक तो इजी है, इससे इजी मत ढूंढिए आप, दिस इज द मोस्ट इजी थिंग। जैसे कुछ लोग डायरेक्टली या मेनली फोकस NLP के जो टॉपिक्स होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सबका फ्यूजन किए हुए हैं, और जिसकी ज्यादा जो ज्यादा इफेक्टिव है उसको हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं।
तो ये मोस्ट इजी है, आपको इन टूल्स का यूज करना है, नोटपैड का या सक्सेस पैड का यूज करना ही करना है, ये सब आपको सपोर्ट करेंगे आपकी जर्नी में। सक्सेस पैड का यूज करना है, सक्सेस फाइल मैंने लास्ट टाइम बताया था उसका यूज करना है। एक साथ अपने आपको बम्बार्ड मत करो, आप पहले आप नोटपैड को यूज करना शुरू कर दो, फिर हम लोग बाकी एलिमेंट्स धीरे धीरे ऐड करना शुरू करेंगे, उसको बोलते हैं कैजेन टेक्निक। ओके, एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक में, और अगर जो जो इंटरेस्टिंग बताइए, मैं आपको एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताता हूँ जो बहुत इफेक्टिव है। और मैं आपको बताऊं, देखिए जितने भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको 50 मिलेंगे यूट्यूब पे, आपको उन सब चक्कर में नहीं उलझना है। आपको मैं जितनी टेक्निक्स बताऊं बस आपको उतना फॉलो करना है बस। क्योंकि देखिए मैनिफेस्टेशन को ना कुछ लोग ऐसे सीखते हैं जैसे मैनिफेस्टेशन को यूज करके नेचर को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग कभी भी यूनिवर्स को, नेचर को बेवकूफ नहीं बना सकते, वो हमें उतना ही देगा जितना हमारी पर्सनैलिटी के प्रोपोर्शनल में ही देगा, बियॉन्ड प्रोपोर्शन वो देगा ही नहीं, वो देता ही नहीं है। तो जो सबसे जो सही तरीका होता है, अपनी पर्सनैलिटी को हम लोग इवॉल्व करें, ग्रूम करें, डेवलप करें। और पर्सनैलिटी ग्रूम करने का मतलब बस यही होता है, इन 5 चीजों पे आप वर्क करो, आपकी आइडेंटिटी, आपका सेल्फ इमेज, आपके बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो, आपका थॉट एंड स्टेट मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, आपकी हैबिट्स स्ट्रांग हो, और आपकी लीडरशिप क्वालिटी, ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। जब हम लोग इन 5ों पे स्ट्रांग अपने आप को करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली फिर हम लोग एक अलग जोन में चले जाते हैं। फिर हम लोग को कुछ ब्लॉक्स बस ब्रेक करने होते हैं, और वो जो जो भी ब्लॉक्स हैं वो सारे क्या कैसे ब्रेक करना है, वो सारा इस जर्नी का पार्ट है। तो फाइन, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि आप यूट्यूब पे जाओगे तो ठीक है, मतलब 50s आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक आएगा कि ये करो वो करो, आपको उन चीजों में नहीं उलझना है। मैं आपको केवल 5 से 6 टेक्निक्स बताऊंगा, आप बस उन 5 से 6 टेक्निक्स को प्रैक्टिस कीजिए, अदर देन ये, उसके अलावा आपको केवल अपने एक्शन पे वर्क करने की जरूरत है, केवल मैनिफेस्टेशन टेक्निक से कुछ नहीं होगा। चलिए मैं आपको टेक्निक शेयर कर देता हूँ, पहले भी मैंने शेयर किया है तो कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा। और ये बिल्कुल हैंडी टेक्निक है, और आपको इसको रेगुलर करना है, हमेशा करना है। इसमें करना क्या है, देखिए आपको एक प्लेन पेपर लेना है, और इस पे आपको एक वर्टिकल लाइन बीच में ड्रॉ करना है, एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है बीच में, ठीक है। अब इसके राइट हैंड पे आपको अपनी विश लिखनी है जिसमें आप यूनिवर्स की हेल्प चाहते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको अपनी विश लिखनी है जिसमें आप यूनिवर्स की हेल्प चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना, अपने रिलेशनशिप को ठीक करना, अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे वर्क करना, किसी इसी का इशू का सोल्यूशन ढूंढना। बस जो भी आप सेंटेंस लिखो वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, उसका वाइब्रेशन अच्छा होना चाहिए। सेंटेंस का वाइब्रेशन आपको नहीं समझ में आता, आप लाइव सेशन में शेयर करो, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि जैसे हम लोग जो भी सेंटेंस यूज करते हैं उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, उसका एक वाइब्रेशन होता है, जो कि अगर वीक होगा तो आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो राइट हैंड साइड में आपको अपनी वो विश लिखनी है, वो आउटकम लिखना है जिसमें आप यूनिवर्स की हेल्प चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसी वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे सेम विश को अटेन करने के लिए आप क्या क्या एफर्ट्स कर सकते हैं जो आपके हाथ में है, वो लिखिए आप, और जब वो हो जाए तो उसको टिक करते जाइए आप। सो दिस इज अ टेक्निक जिसको हम लोग बोलते हैं विश फुलफिलमेंट टेक्निक। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, मैनिफेस्टेशन को लेके मैं आपको बस 4-5 टेक्निक बताऊंगा, उससे ज्यादा आपको टेक्निक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बाकी सब वो स्टूपिडिटी करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जो भी बेस्ट है, जो भी वर्किंग है, वो सारे मैं आपको बता दूंगा, आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं। आप बस इतने इस सिस्टम को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कीजिए, यूज कीजिए, और जो भी आप जहाँ भी जो भी आप आउटकम चाहते हैं वो सब चीजें आने लगेंगी। नहीं आता है, आप लाइव सेशन में आप आइए, पूछिए, मैं आपको आपके क्वेश्चन से मुझे समझ आ जाएगा कि आप कहाँ पे स्टक कर रहे हैं। कई कुछ केसेस में प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है, डेलिकेट होती है, उस केस में हम लोग को 1-to-1 सेशन शेड्यूल करना पड़ता है, वो पर्सनल कोचिंग सेशन से ही रिजॉल्व होती है। क्योंकि आपको आपके ब्लॉक को हमें समझना पड़ता है कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। तो जो चीजें 1-to-1 के फॉर्म में वर्क करती है वो वैसे ही वर्क करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत चीजों का सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। हाउ टू यूज दिस मैनिफेस्टेशन टेक्निक इन रिलेशनशिप, मैंने आपको तरीका बता दिया। लव मैरिज फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन, देखिए जो रिलेशनशिप होता है, जो रिलेशनशिप कहिए या कुछ भी आप वर्ड यूज कर लीजिए, आप उसको किसी को अट्रैक्ट करना, उसकी डायनेमिक्स थोड़ी अलग होती है। क्योंकि देखिए जैसे वो ना एक सोल जर्नी होती है, तो जैसे देखिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक हम लोग जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यूनिवर्स को कमांड दे सकते हैं, मतलब हम लोग यूनिवर्स को प्रे करते हैं, और कई बार कुछ चीजें होती हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होती हैं। तो जो रिलेशनशिप के जो डायनेमिक्स है, जैसे कई लोग बस किसी पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए चीजों को सीखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा उसको दूसरे तरीके से देखो। आप सपोज करो आप कोई अट्रैक्ट करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ये साइंस वर्क करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आपको अगर नहीं करनी चाहिए, तो नेचर उस बैलेंस का ख्याल रखता है, नेचर सबकी सोल जर्नी को देखता है। तो वहां पे रिलेशनशिप को लेके हम लोग थोड़ा सा एक
अलग तरीके से बात करते हैं कि ठीक है, मतलब क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जिसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो उसको अट्रैक्ट करना लॉन्ग टर्म में हमारे लिए नुकसानदायक होता है, तो हम लोग को इन सब प्रोसेस में यूनिवर्स पे, गॉड पे फेथ रखना होता है। ये नहीं कि जी हमने तो प्रैक्टिस किया नहीं आया, ये चीजें वर्क नहीं करती, बेकार है, तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हो, आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो। होप आप समझ पा रहे हैं मेरी इस बात को, अगर आप समझ पा रहे हैं तो मेक सेंस कर सकते हैं। हेजिटेशन इन स्पीकिंग ऑन स्टेज, ये सब तो बहुत छोटे इशूज, ये सब तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे आप, ये सब तो आपके फियर्स हैं बस। देखिए हेजिटेशन इन स्पीकिंग ऑन स्टेज, देखिए यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो स्टेज स्पीकिंग होता है, जो पब्लिक स्पीकिंग होता है, वो जस्ट लाइक स्विमिंग होता है। तो कितना भी आप बुक पढ़ लो, कितना भी आप किसी भी ट्रेनर को सुन लो, आप जब तक आप स्टेज पे नहीं जाओगे तो आपको एक तो रियल वो करना ही पड़ेगा। पहला ये, आपको एक बार उस फियर को फेस करना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते, ठीक है। दूसरी बात, अब इन टेक्निक्स टूल्स का कैसे यूज करें। देखिए आपकी जो ये जो आपके जो बिलीफ है, मतलब अगर हेजिटेशन आ रहा है वो आपका ब्लॉक है, वो आपका फियर है, आपका जो माइंड न्यू रियलिटी टेक्निक और जो लॉ ऑफ इमेजेस है, ये आपको बहुत बहुत स्ट्रांग बना देगा। लॉ ऑफ इमेजेस को प्रिसाइजली यूज करो आप, जैसे आप देखो कि आप वो जा रहे हो रिपीटेटिवली, अगर आप अपने इमेजिनेशन में कंफर्टेबल हो गए, इसका मतलब आप वहां पे कंफर्टेबल हो जाओगे। उसके बाद बस आपको एक फियर ब्रेक करना है। फियर ब्रेक किसका, जैसे मान लीजिए किसी को जैसे स्विमिंग करना है तो पानी में तो उतरना ही पड़ेगा, वो फियर तो है, लेकिन आप जाओ आप, तो आप जब दो तीन बार कर लोगे तो आपका ब्रेन ना एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर लेता है। देखिए हमारा माइंड क्या करता है, हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा पास्ट में जाके ढूंढता है। जैसे सपोज कीजिए कोई पर्सन है, उसने कभी पास्ट में डांस नहीं किया, उसको बोलो कि ग्रुप के सामने डांस करो, तो उसका ब्रेन सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो दो तीन बार कर लेगा तो उसका ब्रेन सपोर्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके ब्रेन में वो मेमोरी बन गई जो उसको सपोर्ट कर रही है। कोई भी और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए। और ये जो हम लोग जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो एज इट इज ही है, ऐसा ही है। मतलब अगर आप इन चीजों को समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इन चीजों को अपने डे टू डे लाइफ में यूज में लाते हैं, तो फिर आपके लिए इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी। और फिर आगे जो हम लोग आगे आप अगर अंदर जाएंगे तो कुछ वैसे प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग सीखते हैं। जैसे एक प्रिंसिपल है द कीज ओवर टाइम। सपोज कीजिए कोई बोलता है कि नहीं मुझे तो बहुत लीजेंडरी सक्सेस प्रोड्यूस करनी है, तो आप कर सकते हो, लेकिन द की इज ओवर टाइम। आपको आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे एक नॉर्मल सा एक वो है कि किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज आने में अराउंड 6 to 7 years लगते हैं, तो आपको उतना वो पेशेंस रखिए, आप इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर आप चाह के भी फेल नहीं हो सकते। ये मेरी आपको प्रॉमिस है। अगर आप इन चीजों को समझ रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप तो आप चाहोगे ना कि मैं फेल हो जाऊं तो भी नहीं हो सकते। दिस इज द पावर ऑफ दिस। उसका रीजन क्या है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये हम लोग की जो लाइफ है ना वो कुछ लॉज से चलती है, कुछ रूल से चलती है। जो उस रूल को समझेगा वो इस गेम को विन कर पाएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रैंडम प्ले करते हैं। ज्यादातर लोग ठीक है एक सीक्रेट बुक पढ़ लिया, उनको लगता है चलो अब तो सब कुछ आ गया, मतलब अब तो सारी पावर आ गई। जबकि सीक्रेट बुक बस आपको ये कहती है, सीक्रेट बुक का सिंपल सा मैसेज है, इट्स पॉसिबल, तुम भी कर सकते हो, दैट्स इट। कुछ टूल नहीं देती आपको, कुछ सपोर्ट नहीं करती, लेकिन कुछ लोग उसी को नहीं पचा पाते, उसी को नहीं झेल पाते। और जो नॉलेज है, नॉलेज का मतलब मैं आपको बताता हूँ, नॉलेज का मतलब ये नहीं होता कि आप कितना जानते हैं, नॉलेज का मतलब ये होता है कि व्हाट इज योर कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, आप और कितना जान सकते हैं, सीख सकते हैं, दैट इज नॉलेज। मैं 2007 से एक्सटेंसिव लर्निंग कर रहा हूँ, अभी भी मेरा ज्यादातर टाइम सीखने में जाता है कि ठीक है और मैं कहाँ पे वीक हूँ और क्या सीखने की जरूरत है, ठीक, दैट इज फन। सो होप आप समझ पा रहे हैं। सो लव ऑल, ट्रस्ट यू, फॉलो वन, ये आपको हेल्प करेगा। कैजेन टेक्निक को यूज कीजिए। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग कोई जर्नी शुरू करते हैं ना, तो हम लोग शुरू में बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम लोग की सारी एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है कि यस दिस दैट, और स्पेशली जहाँ बड़ी प्रॉमिस होती है जैसे कि यहाँ पे हम लोग जाते हैं, फिर थोड़े टाइम हम लोग का मोटिवेशन लैग कर जाता है, वो करेगा ही करेगा। सो व्हाट इज द राइट वे, कैजेन को यूज कीजिए। धीरे धीरे वॉक करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे उस चीज को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, तो आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में वैसे पैटर्न्स बन जाते हैं, वैसे बिलीफ बन जाते हैं, वैसे हैबिट्स बन जाते हैं। जैसे हम लोग न्यूरो साइंस में समझते हैं कि अगर हमें कोई भी चेंज करना है तो एक स्टेटमेंट है, स्टार्ट द प्रोसेस एंड लेट द चेंज हैपन। प्रोसेस को शुरू कर दीजिए आप, बाकी उसको बस सपोर्ट कीजिए। जैसे कोई भी सीड से कोई पौधा या जो भी है ट्री या कुछ भी आप बोलो, सो इसी तरीके से हम लोग ग्रो करते हैं। कैन वी बेस आर लाइफ ओनली ऑन मोटिवेशन? नहीं, बिल्कुल मोटिवेशन पे हम लोग लाइफ को बेस नहीं कर सकते, लेकिन मोटिवेशन के बिना भी नहीं कर सकते। देखिए हम लोग को अपनी लाइफ को अलाइन करने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, इसलिए हम लोग मी टाइम पे बहुत जोर देते हैं। जैसे जो हम लोग का मॉड्यूल 1 है वहां पे हम लोग मी टाइम पे बहुत जोर देते हैं,
कि आप खुद को समझो, क्योंकि देखिए अगर आप, हमारा जो मोटिवेशन है, जो पैशन है, जो पॉजिटिविटी है, वो हमारे अंदर से आती है। अगर आप वहां से नहीं कनेक्ट होगे ना, तो आपको ये दुनिया ना घुमाती रहेगी। आपको आपको ये दुनिया अपने हिसाब से, जिसमें दुनिया का फायदा होगा आपसे, वो कराती रहेगी दुनिया। पॉलिटिशियन आपसे अपना काम करवाएगा, बिजनेस जो है, जो बिजनेस हाउसेस है, वो आपको अपने लिए एंगेज करेंगे। केवल मोटिवेशन पे नहीं कर सकते, लेकिन बिना मोटिवेशन के भी नहीं कर सकते। मोटिवेशन का जो जगह है, और मोटिवेशन का सिंपल सा मतलब है कि अपने आप को पॉजिटिव स्टेट में रखना, दैट्स इट। जो कि आप गाने सुन के भी अपने आप को हैप्पी या पॉजिटिव स्टेट में रख सकते हैं। हम लोग को लाइफ में कुछ सिस्टम की जरूरत होती है, कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होती है, जिसमें हम लोग देख पाए। क्योंकि देखिए, जैसे जब मेरी जो जर्नी थी, ठीक है, मुझे कोई बहुत एक्टिव सपोर्ट नहीं मिला, तो लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट था ना, वो लाइफ था, कि लाइफ को कैसे समझे, लाइफ के क्या पैरामीटर होते हैं, मेरा सब्जेक्ट ही यही था। तो फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आई ओवर द टाइम, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द ग्रेस ऑफ जो भी मेरे लाइफ में मेंटर्स आए, जो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट मेंटर्स आए। तो अब थोड़ी, अब मतलब जैसे अब हमें पूरी क्लैरिटी है कि लाइफ को समझना है तो कैसे समझना है। जैसे हम लोग का जो 6 एस्पेक्ट्स, आप ब्रेक करके देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं, आप मी टाइम स्पेंड करके। सो होप मैं आपको समझ पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ठीक है, मतलब क्या आपकी जो विशेष क्या है, आपके डिजायर्स क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। क्योंकि जैसे कई बार हम लोग, जैसे जब आप मी टाइम स्पेंड करोगे, तो आपके अंदर से ये सब आंसर्स आएगा। जैसे अदरवाइज आपको कोई कोई नेटवर्क मार्केटिंग के पर्सन आपको मोटिवेट करेंगे, आपको BMW दिखा के, ये दिखा के, अरे वो सबका वो पाथ ही नहीं होता सबके लिए। वो बहुत, जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग की ना, कि हम लोग की कोई फर्स्ट लाइफ नहीं है, हम लोग के मल्टीपल लाइफ रहे हैं, हम लोग इससे पहले भी बहुत बार हो चुके हैं। तो कोई अगर पहले रिचनेस को एक्सपीरियंस कर चुका है, तो अब उसको रिचनेस अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो हमें अपने आप को ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए लोग मी टाइम पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। इसीलिए जो मी टाइम डायरी, मी टाइम, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप को समझो, उस पर जोर देते हैं। सो होप मैं सारे आंसर कर पाया। इसका लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया है, कैजेन टेक्निक का यूज कीजिए। कैजेन का मतलब धीरे धीरे में चलना शुरू करना, लेकिन चलते रहना है। कैजेन में दो एलिमेंट हैं, स्मॉल स्टेप्स और दूसरा कंटिन्यूअस। स्टेप्स कितने भी छोटे कर लो आप, अगर लाइफ में कोई अच्छी चीज है, तो उसको आप कंटिन्यू करो, आप उसको छोड़ो मत कभी भी। अगर आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी आई है, तो स्टेप्स कितने भी छोटे कर लो आप वीक में केवल एक दिन 10 मिनट दो, आप वीक में एक दिन आप 1 मिनट दो, आप इसको बोलते हैं स्टेप्स को छोटा करना। लेकिन आप उसको छोड़ो मत, आप उसको कंटिन्यू चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, आप फिर आप बहुत लोगों से आप आगे हो जाओगे। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, आप डिस्कस कीजिए, आपको हेल्प करूंगा। कहीं भी आप स्टक हो, कहीं भी आपको नहीं समझ आ रहा, कुछ भी, एनीथिंग इज लाइक दैट। क्योंकि अभी हम लोग ये जो चीजें समझ रहे हैं, दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग अवेलेबल फॉर ह्यूमंस। अब इससे ज्यादा पावरफुल ह्यूमंस के लिए कुछ भी अवेलेबल। सो थैंक यू आप सभी को। थैंक यू।